अब मैं उन खातून का जिक्र करना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ का हिस्सा रही हैं, एक्सेप्ट योर मॉम एंड ऑब्वियसली दैट वन पर्सन इज बाबरा शरीफ. सो बाबरा के साथ यू हैव अ वेरी वेरी क्लोज एंड अ यूनिक रिलेशनशिप टिल डेट. ट्रू. सो लेट्स टॉक अबाउट हर. बाबरा के साथ मेरी इतनी क्लोजनेस है, इतनी फ्रेंडशिप है कि उसको अब मैं नाम भी इतने सालों के बाद उसको मैंने कोई नाम भी नहीं दे सकता, यू नो, बिकॉज जब मैंने काम शुरू किया था नेचुरली एज यू नो बाबरा के साथ मेरी सेकंड फिल्म मेरी बाबरा के साथ थी. हाँ, फर्स्ट मेरी नहीं भी नहीं थी लेकिन सेकंड फिल्म बाबरा के साथ थी. सो आई वाज अगेन आई वाज यंग एंड आई वाज वर्किंग विद अ स्टार. तो वो मुझे, लेकिन बाबरा ने कभी मुझे, यू नो, बिकॉज शी हैड टू वर्क विद मी इन ऑल दैट, तो हमने कभी पहले दिन से हमारी दोस्ती हो गई थी. बट नेचुरली यू नो जिस तरह हर दोस्त में होता है कि यू नो आप बीच में मसाइल भी आते हैं, फिर ख़त्म होते हैं, फिर आते हैं. देखिए बात ये है कि लिटमस टेस्ट ये होता है कि आपकी फ्रेंडशिप लास्ट की है कि नहीं की. बिल्कुल. अगर आपकी फ्रेंडशिप लास्ट की है इवन विद प्रॉब्लम्स, इवन लड़ाइयाँ होती हैं, दैट मींस कि देयर इज समथिंग इन दैट रिलेशनशिप. दैट इज फ्रेंडशिप एक्चुअली. दैट इज फ्रेंडशिप, यू नो. सो अगर ना होती ऐसी कोई मेरी क्लोजनेस उससे, तो मैं इनडिफरेंट होता ना कि अच्छा यार ठीक है वो सोच रही है, मैं नहीं मिलता, कोई बात नहीं, भूल जाता, मुझे फ़र्क भी ना पड़ता. लेकिन कोई बात होती है, फ़र्क मुझे भी पड़ता है. अगर मैं उसको कुछ कहता हूँ उसको भी फ़र्क पड़ता है. सो वी हैव अ वेरी वेरी क्लोज बॉन्ड, यू नो. अगर हम रेगुलरली ना भी मिलें फिर भी हमारा एक बॉन्ड ऐसा है कि आई नो वे शी इज. एक जमाने में तो अफवाहें भी उड़ी थी कि आप दोनों शादी करने वाले हैं. बहुत अफवाहें उड़ी. बड़ी अफवाह थी. बिल्कुल बिल्कुल. यू नो मैंने भी सुनी थी वो अफवाह. अब थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन है फैसल, जिनका आप एक शॉर्ट आंसर दे देंगे. आपने कभी खुद किसी को प्रपोज किया? बड़ी पुरानी बात होगी. हाँ किया था. और क्या जवाब आया? ना. ओके. कभी किसी बड़ी उम्र की औरत से अफेयर या पसंदीदगी हुई? हाँ. हाउ वाज दैट? गुड, वेरी गुड. कभी एक दिन की मोहब्बत की? एक दिन नहीं, नहीं, नहीं. कभी सेट पे किसी एक्ट्रेस से बू आई है? फिकर ना करो, नाम नहीं पूछूंगी अगर आई. हाँ आई है. इनडिसेंट प्रपोजल कभी किसी ने किया? इनडिसेंट प्रपोजल कभी किसी ने? हाँ. चिपकू हेरोइन मिली है कभी कोई, जो हेरोइन चिपकू हो गई हो? हाँ, फिल्मों में हुई है. अच्छा, आपके ख्याल में हमारे दौर के या आजकल के ओवररेटेड या पिछले दौर के भी ओवररेटेड एक्टर या एक्ट्रेस कोई थी? मैं आपको बताऊं, मैं तो क्योंकि खुद एक एक्टर हूं ना, तो जाहिर है मैं एक्टरों को तनकीद की नज़र से देखता हूं. ठीक है. तो मुझे तो एक्ट्रेस सारी लगती ओवररेटेड. क्या करूं, किस किस का नाम लूं? ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैं इंडिया की बात करूँ जहाँ ज़्यादा स्टार्स हैं, मैं तो वहाँ भी ओवररेटेड लगता हूँ. तो यार इनकी मार्केट इतनी बड़ी इसलिए इनका बन गया इतना ना. तो आई मीन अब मेरा तो ये मौकफ है, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, कि मैं ये कहना भी चाह रहा था इस आपके इंटरव्यू में कि आज अगर आप पाकिस्तानी एक्टर और इंडियन एक्टर का वो हम पंजाबी में कहते हैं दंगल करा दें, आप एक्टिंग का दंगल करा के देख लें, पाकिस्तानी एक्टर विल विन विद शाइनिंग कलर्स. पाकिस्तानी एक्टर इज वेरी इंडिविजुअल, उनका अपना एक स्टाइल है, हर एक्टर का अपना एक स्टाइल है. गुड और बैड नहीं हुआ ना. हाँ, ये सब ने इधर उधर से पकड़, वहाँ इंडस्ट्री में वो एक ही चीज़ पर चलते हैं. वो दे हैव टू फॉलो अमिताभ का पैटर्न या दिलीप कुमार का पैटर्न, तो उसमें फिर वो ज़्यादा इधर उधर हो नहीं सकते. आप आज करा लें ना दंगल, आप मेरा करा लें किसी से दंगल, मैं आप एक्टिंग में यू नो, और इसमें कोई बुराई नहीं है कहने के लिए, ठीक है उनके नाम है, बड़े बड़े नाम है सबके, हमारे भी अपने मुल्क में बड़े नाम है, आप दंगल करा के देख लें. तो दंगल में लेंथों से मारेंगे.
बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, आप अगर अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये कश्मीर का इशू अगर आप कहें जी इसका फैसला उस वक्त होगा, दो एक्टर को खड़ा करके एक्टिंग करा दे, जो अच्छी एक्टिंग करेगा वो उस मुल्क की तरफ कश्मीर चला जाएगा, आपको हम कश्मीर लेकर दिखाएंगे फिर। सही बात है, आई एग्री विद यू ऑन अ सीरियस नोट, आई एग्री बिकॉज हम सीखे हुए नहीं आए, तो हम सब इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल और सर्वाइव करने के लिए हमने इतना काम करके ऑन सेट सीख लिया है, सीख लिया बिल्कुल, कि हम सब अपने अपने स्टाइल में मंझ गए। Not saying Indian actors are bad. Exactly. I'm saying के they are good and उनको good को देखकर आप भी आपका reaction और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, you know. अच्छा, अगर आपको मैं चंद नाम लेती हूँ, इनमें से आप किसके लवर बनना पसंद करेंगे, किसका बेटा बनना पसंद करेंगे, किसका लव इंटरेस्ट या किसका फादर? हाँ जी, मायरा खान, फादर, सबा कमर, अ शॉर्ट लव, वो कौन सा होता है? एक होता लंबा लव, एक होता शॉर्ट लव, एक दिन की मोहब्बत, एक दिन की मोहब्बत, अतीका ओढ़ो, बेटा, महविश हयात, महविश हयात भाई, इकरा अजीज, बाप, नीलम मुनीर, लवर, मानूर बलोच, फ्रेंड। और इससे अगला सवाल, फैसल शादी क्यों नहीं की? क्यों नहीं की? अच्छा, मैंने क्यों नहीं की शादी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। But let's talk about something else. मैं बताऊँ, वैसे मैं हमेशा इस बात को गोलमोल कर जाता हूँ, लेकिन मैं आज मैं थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ कि इसमें ये कि लोगों को थोड़ा सा एहसास होगा कि मैं गोलमोल बात नहीं कर रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस एज में आके जो चीज़ मैं अपने आप को भी बहुत वो सोचता हूँ कि मैं क्यों इस किस्म का, मेरे किसी के साथ क्लोज होना मेरे लिए बड़ा मसला है। दैट कैन बी एंड इट आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कोई ये कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है मेरा, मैं क्लोज जब बहुत इमोशनली क्लोज हो जाता हूँ ना किसी से, तो फिर आई लूज माई सेल्फ, आई कंप्लीटली बिकम दैट पर्सन्स, पंजाबी में कहते स्टपनी बन जाता हूँ, मैं इतना नीचे लग जाता हूँ कि मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। दैट इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग फॉर मी बिकॉज मेरा सेल्फ, आई लाइक टू हैव माई बींग माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू चेरिश इट। मैंने इतने सालों में बड़ा अपने आप को, अपनी साइलेंस और मेरी जो स्टिलनेस है उसको मैंने नरिश किया है, तो मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूँ। मैं हमेशा भी, जब भी मैं किसी से बहुत क्लोज होता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी बहुत मेरे क्लोज हैं, लेकिन जब भी मैं किसी से इमोशनली क्लोज हुआ हूँ ना, आई लूज ऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ। इट्स अ वेरी यूनिक थिंग आई गेस, यू नो आई मीन, तो मुझे ये हमेशा होता है कि यू नो, अगर मेरी जितनी ज़िंदगी में लोग आए जिन उनको वो ख़वातीन 6-6 महीने के बाद जा चुकी हैं, बिकॉज दे सी कि देर इज़ अ लाइन दैट आई ड्रॉ। वो चली जाती हैं कि आप चले जाते? नहीं, मैं नहीं जाता कभी भी नहीं। मैंने ज़िंदगी में कभी भी, एक तो मैं इफ़ आई एम नॉट फ्रेंड्स विद समबडी देन आई रियली एम नॉट फ्रेंड्स, यू नो, लाइक मैं आई डोंट इवन प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स, यू नो। सो जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में लोग आए हैं उनको वो हमेशा खुद गए, बिकॉज एक तो ये कि हमारा नॉवल्टी फैक्टर है, आप एक्टर हैं, स्टार हैं, आपकी शक्ल स्क्रीन पर आती है। कई लोगों की ये होता है कि जी अच्छा जी, वो 6 महीने में उनका कहते हैं चा ले गया उन्होंने, तो वो उनका चा ले जाता है, तो कहते हैं ठीक है अभी हो गया जी, कर लिया। कई लोगों का चा नहीं लेता, वो साल भी गुजार लेते तो वो लेकिन ये कि वो इवेंचुअली दे फाइंड आउट कि आई हैव अ लाइन ड्रॉन समवेयर, तो एक हद से आगे वो बढ़ नहीं सकते, वो विच इज़ माई इमोशनल थिंग, नॉट फिजिकल और एनीथिंग, इमोशनल जो है ना एक, क्योंकि आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अब ये समथिंग यू डोंट वॉन्ट, बिकॉज आई थिंक सभी के साथ ये होता है, अक्सर रिलेशनशिप्स में ये होता है, लेकिन यू आर समवन जो कि ये नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में हो। मुझे डर लगता है इससे असल में,
असल में ट्राई करके देख तो लेना नहीं वो सारे कहते ट्राई तो वो ट्राई करके आई डोंट नो जरा यू नो अब ये दुनिया में कोई इस तरह कोई होगा जिसने जो ये सुन के तो करीब आ जाए तो वो अलग बात है, मुझे नहीं पता इसका। अच्छा फैसल, बाबरा शरीफ के साथ वहाँ उस जमाने में हरविंद के साथ, आपने शबनम के साथ भी काम किया, उन हरविंद के साथ काम करते 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 अब आप सज्जल तक के साथ आपने काम किया। हाँ, सज्जल के साथ। सो आपको ट्रांजिशन क्या लग रही है, एक लीडिंग लेडी जो उस जमाने की थी और अब जो है जबकि सोशल मीडिया भी इतना आ गया, इतनी अवेयरनेस भी है, काम भी और तरीके से होना शुरू हो गया, क्या डिफरेंस आप देखते हो तब की लीडिंग लेडी में और आज की लीडिंग लेडी? आई थिंक जो मुझे पहले ही होता था कि जो आपकी लीडिंग लेडी होती थी ना, जिस तरह अगर आप स्टार है, जिसमें बाबरा शरीफ है स्टार, शबनम स्टार थी, उनमें आपको बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आता था, बिकॉज वंस यू गेट टू दैट लेवल तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता बिकॉज यू रूल द स्क्रीन। अब जो फ़र्क है वो ये मैंने देखा है कि एवरी गर्ल इज़ कॉन्फिडेंट, एवरी गर्ल इवन इफ शी इज़ नॉट डूइंग द लीड, कोई भी वो रोल कर रही है उसमें ऐसा ही कॉन्फिडेंस है जो उस ज़माने में नहीं होता था। जो लड़कियाँ उस ज़माने में दूसरे रोल करती थी, दे डिडंट हैव मच ऑफ कॉन्फिडेंस।